हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैंक स्पार्कल में। आज का वीडियो जो है ब्लाउज बैकनेक डिज़ाइंस पे है। दोस्तों, ब्लाउज के वीडियोस जो है आपने हमेशा से ही लाइक किया है और बहुत ही व्यूज़ आए हैं, तो मैंने सोचा आज ब्लाउज के बैकनेक डिज़ाइंस के वीडियो जो है बनाया जाए। बहुत न्यू पैटर्न्स और फ्रेश पैटर्न्स जो है इस वीडियो में मैंने डाला हुआ है। इस तरीके का देखिए, फ्रिंज डिटेल के ब्लाउजेज आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। आप ट्राई कर सकते हैं इसको ईजीली, या फिर जो है इन्वर्टेड यू का जो है कटआउट आप ट्राई करें। लोअर बैक कटआउट्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके का। बहुत ही ब्यूटीफुल से जो है ब्लाउज़ के बैकनेक डिज़ाइन जो है इस वीडियो में मैंने लाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारे ही जो है पार्टी वेयर ब्लाउज बैकनेक डिज़ाइन हैं दोस्तों, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं किसी भी तरीके की साड़ी के साथ, चाहे वो पट्टू साड़ी हो, सिल्क साड़ी, या फिर नेट साड़ी, या फिर डिज़ाइनर साड़ी, किसी भी तरीके की साड़ी के साथ जो है इस तरीके के ब्लाउज बैकनेक डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी का स्टाइल जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हर तरीके का बैकनेक पैटर्न जो है हर बॉडी शेप पे जो है सूट नहीं होता है। अगर आपका जो है बॉडी बैक फैट है तो आप जो है इस तरीके के बिगर कटआउट्स को ऑप्ट ना करें, तो ज़्यादा बेटर और एलिगेंट लुक आएगा। इस तरीके का लोअर बैक टाइप्स आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपका बैक फैट जो है शो नहीं होगा। आप ट्राई करें इस तरीके के टाइप्स जो है अलग तरीके के आजकल जो चल रहे हैं। इस तरीके का जो है ह्यूज और बिगर कटआउट जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, और अगर आपका जो है वेल टोन्ड फिगर है तो आप इस तरीके के जो है स्टाइल जो है इजीली ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। रॉकेट में आप सिलवा सकते हैं इसको इजीली, बिना जो है कोई है थ्रेड वर्क के। काफ़ी इजीली आपको कोई लोकल टेलर भी जो है स्टिच करके दे सकता है। आप इस तरीके का सिंपलर पैटर्न जो है पैचवर्क के साथ जो है ट्राई कर सकती हैं। सिल्क साड़ी के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे, आप ट्राई करें। टू टोन ब्लाउजेस भी इसको जो है कहा जाता है। ब्रॉकेट में देखिए ये नेटेड डिटेलिंग आप ट्राई कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एक और पैचवर्क टाइप ब्लाउज है, आप ट्राई करें इस तरीके का, बहुत ही अलग लगेगा। ये एक बहुत ही डिज़ाइनर पैटर्न है दोस्तों, अगर आपको जो है बुटीक में सिलवाना है तो इस तरीके के पैटर्न जो है आप इजीली सिलवा सकती हैं। काफ़ी सारे बहुत सारे डिज़ाइन जो है मैंने डाला हुआ है, काफ़ी कटआउट्स के डिज़ाइन हैं, फ्रिंज पैटर्न्स हैं, डोरी के पैटर्न्स हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के पैटर्न जो है आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। नेट की डिटेलिंग आजकल काफ़ी जो है चल रहा है दोस्तों, इस तरह से नेट का जो है एडिशन देके आप रेडी करवा सकते हैं ब्लाउजेस को। इस तरीके के ब्लाउजेस आप लहंगे के साथ भी जो है पहन सकते हैं, इस तरीके के बैकनेक। अगर आप लहंगा का ब्लाउज जो है सिलाना चाह रही है और कंफ्यूज है कि किस तरीके का जो है बैकनेक पैटर्न लहंगे के ब्लाउज में जो है ट्राई करें, तो इस वीडियो से उसके भी आइडियाज आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये सारे ही बहुत ही फ्रेश बैकनेक पैटर्न्स हैं, तो अगर आप जो है ट्रेंडिंग न्यू पैटर्न्स जो है ट्राई करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल और इंस्पिरेशनल रहेगा फ्रेंड्स। इस तरीके का जो है फ्लावर टाइप कटआउट आप ट्राई कर सकती हैं। फ्रिंज की लेस जो है इजीली अवेलेबल होती है दोस्तों, आप कटआउट में इस तरह से लगा सकती हैं। फ्रिंज का ट्रेंड भी काफ़ी चल रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। आई टाइप कटआउट आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का स्लीव कट, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा और जो है रिवीलिंग भी नहीं होगा। हाउस कट आजकल काफ़ी चल रहे हैं, और लोअर बैक टाइप्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, आप ट्राई करें इस तरीके का। ऊपर जो है डोरी आती है अक्सर, लेकिन इसमें जो है नीचे के हिस्से में डोरी दी गई है, काफ़ी अलग लगता है। अगर आप हाई बैक नेक डिज़ाइन ट्राई करना चाहते हैं तो ये पैटर्न अच्छे रहेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। डोरीज नीचे के हिस्से में जैसे कि मैंने बताया आपको, काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, आप ट्राई करें। डोरी की जगह बोका डिटेलिंग भी आजकल काफ़ी चल रहा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। डोरी की जगह स्ट्रिप का डिटेलिंग होता है, उसको बो की तरह जो है टाई किया जाता है। टैसल डिटेलिंग भी आजकल काफ़ी चल रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके का। बहुत सारे पैटर्न जो है डाला हुआ है, ये पैटर्न आप जो है संगीत फंक्शन में, या फिर मेहंदी फंक्शन में, या फिर वेडिंग रिसेप्शन में जो है ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी तरीके की साड़ी के साथ, प्लेन साड़ीज के साथ भी आप इस तरीके के ब्लाउजेज जो है ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइनर टाइप पैटर्न हैं
और सिंपल प्लेन साड़ी के साथ इसका लुक जो है काफ़ी बैलेंस्ड आएगा। इस तरीके का आप इजीली सिलवा के जो है बहुत ही ब्यूटीफुल से एथनिक साड़ी लुक्स जो है तैयार कर सकते हैं। लाइक